सो आई होप कि फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड दीज एप्लीकेशंस आर क्लियर टू यू. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमें जो है सिलेबस भी इन टाइम फिनिश करना है. और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक, देन सिंपली यू कैन मेक मी अ कॉल और सेंड मी अ मैसेज, देन आई विल हेल्प यू श्योरली. ओके, लेकिन टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसको डेली स्टडी करना है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर. अब आता है आपका हाफ ऑफ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, क्योंकि चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट जो है वो मोस्टली कवर अप हो चुका है. अब आता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पार्ट, और फिर आगे जाके आपको पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जो है वो मिक्स्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टडी करने हैं. तो अब कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है, तो जैसे कि पोटेंशियल बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमनली यूज्ड वर्ड है. पोटेंशियल का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि ग्रामर डिक्शनरी में यूज़ होता है. वैसे ही कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी बहुत कॉमन वर्ड है, उसका मतलब भी आपको पता है कि कैपेसिटी क्या होता है. कैपेसिटी का मतलब होता है कि किस कोई भी जो चीज़ है, जनरली अगर हम किसी वेसल की किसी यूटेंसिल की बात करें, कितनी कैपेसिटी है, मतलब वो कितनी क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस होल्ड कर सकता है ना. तो दिस इज़ कॉल्ड द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस. अब जब ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड के साथ में आती हैं या इलेक्ट्रिक वर्ल्ड के साथ में आती हैं, तो इसका मतलब सारी चीज़ें चार्ज से रिलेटेड हो जाती हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसकी, कंडक्टर की. तो इसका मतलब एक कंडक्टर है आपके पास, किसी भी शेप का, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, एनी टाइप ऑफ शेप. तो जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को कितना आप चार्ज दे सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी आपने इससे पहले ये डायग्राम पढ़ा, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके ऊपर ये चार्ज है, प्लस सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है. ठीक है, तो अब इस कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं ये सोचिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स है तो हम कितना भी चाहें चार्ज दे सकते हैं. एक हमने बैटरी लगाई और बहुत सारा चार्ज इसको दे दिया, लेकिन क्या इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये चार्ज को होल्ड कर सकता है, या अगर ज़्यादा चार्ज देंगे तो क्या जो है वो उसके बाद का जो रिज़ल्ट होगा, उसका जो चार्ज का जो रिज़ल्ट होगा दैट विल बी व्हाट. ठीक है, क्या होगा अगर हम ज़्यादा एक्सेस चार्ज दे देते हैं इसको, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, मुझे लगता है इट इज़ क्लियर नाउ कि कैपेसिटी का मतलब कि कितनी जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है दैट अ कंडक्टर कैन होल्ड. तो सबसे पहले कैपेसिटेंस को डिफाइन कर देते हैं कि इट इज़ द मेज़र ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है. दिस इज़ द डेफिनेशन. अब आप स्टेप वाइज सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं और लिखना कैसे है ये भी आपको पता है, यानी कि आपके दो काम हो रहे हैं, एक तो आप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड सेकेंड थिंग यू कैन ईजिली मेक द नोट्स ऑल्सो. अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है इसका डेरिवेशन. तो इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सिंपली यू हैव टू राइट द स्टेप्स. तो देखिए इसमें आपको क्या करना है. अब यहाँ पर आपको एक बात पता है कि अगर हम कंडक्टर को चार्ज देना शुरू करते हैं तो क्या होता है. तो मान लीजिए आप इसको क्यू चार्ज दे रहे हैं, आपने क्यू चार्ज इसको देना स्टार्ट किया, तो जितना जितना आप चार्ज दे रहे हैं उतना उतना इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज देने का मतलब क्या हुआ कि जितना ये चार्ज होता जाएगा उतना ही अपना आसपास इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा, पोटेंशियल अपना बढ़ाएगा. और पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगी. तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जितना हमने चार्ज दिया क्यू, सपोज दैट उसकी वजह से इसने कितना पोटेंशियल एक्वायर किया, वी. ओके, इसका पोटेंशियल जो है वो वी हो जाता है. और जब हम चार्ज क्यू से बढ़ा दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. इट मींस इफ वी आर इंक्रीजिंग द चार्ज देन पोटेंशियल विल इंक्रीज, एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द चार्ज देन पोटेंशियल विल आल्सो गेट डिक्रीज. तो इसका मतलब जो चार्ज और पोटेंशियल है वो कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पर आप सिंबल का ध्यान रखिएगा, सिंबल आपको जो है वो कैसे बनाना है. तो सिंबल आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. ठीक है, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यहाँ जो मेरे पास अवेलेबल सिंबल है मैंने बनाया है, बट एक्चुअली दिस इज़ द सिंबल. अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट इज़ कैपिटल C. तो हमारा रिलेशन बन जाता है Q इज़ इक्वल टू सी वी. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिर हम आगे लिख देंगे. वेयर C इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. तो C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, और जो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है कंडक्टर की.
तो अगर हम सी का फॉर्मूला बनाते हैं तो सी का फॉर्मूला बन जाता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यानी कि अब आप डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, प्रैक्टिकल मतलब मीनिंग आपको समझ में आ गया, और प्रैक्टिकल मीनिंग समझने के बाद में या तो एक डेफिनेशन आप वो वाली लिख सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज ऑन इट्स सरफेस, या फिर दूसरी डेफिनेशन आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है। कैपेसिटेंस को यहाँ लिखा है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। कितना चार्ज चाहिए जो उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा दे, यूनिट अमाउंट से बढ़ा दे। ओके, तो ये डेफिनेशन जो है ये मोस्ट प्रॉपर है, अगर आपको लिखना हो तो ये लिखिएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है। और मोस्टली अगर आपसे ये टॉपिक ऐसे तो नहीं आता है 12th क्लास में डायरेक्ट, लेकिन कभी हो सकता है, मान लीजिए किसी 5 मार्क्स के क्वेश्चन के किसी पार्ट में अगर आपको ये मिल जाता है तो वहाँ पर आपको जो है वो फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो जब फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है तो ये वाली डेफिनेशन ही बेटर रहेगी। ओके, तो ये क्या होता है, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। अब इसके बाद आता है कि कैपेसिटेंस जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस किन पे डिपेंड करती है, इसका मतलब फिर से वही हुआ कि अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज देना शुरू किया, ओके, आपने चार्ज देना स्टार्ट किया, तो कितना चार्ज वो कंडक्टर होल्ड कर पाएगा ये किस किस बात पे डिपेंड करता होगा, सोचिए इसके बारे में। तो आई हैव रिटन हियर द पॉइंट्स। तो कैपेसिटेंस जो है वो इन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू, क्योंकि एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, ठीक है, ये छोटा कंडक्टर है, ये बड़ा कंडक्टर है, तो इसके पास जितना सरफेस एरिया है उतना ही तो चार्ज होल्ड कर पाएगा, ठीक है। इसका सरफेस एरिया इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला जो कंडक्टर है ये ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो कैपेसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, जिसका साइज़ ज़्यादा है। और दूसरी बात शेप पर भी डिपेंड करेगा कि शेप इन द सेंस कि जिसमें जो फ्री सरफेस है वो ज़्यादा होती है वो ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा। तो ये प्रैक्टिकली ट्रू है, इसलिए आपको आसानी से याद रहेगी कि कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड करती है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। दूसरी बात कैपेसिटेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पर, यानी कि हम परमिटिविटी भी कह सकते हैं। तो सराउंडिंग मीडियम इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कंडक्टर एक ऐसी जगह रखा है जहाँ पर वैक्यूम है, ओके, कंडक्टर ऐसी जगह रखा है जहाँ आसपास वैक्यूम है, तो वैक्यूम का मतलब ऑलरेडी वहाँ कोई चार्जेस अवेलेबल है ही नहीं, वहाँ किसी टाइप का कोई पार्टिकल भी अवेलेबल नहीं है जो कि आयोनाइज होकर चार्जेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो वैक्यूम में इसका मतलब कोई अगर हम कंडक्टर रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो मेंटेन्ड रहेगी, उसका चार्ज लीक ही नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस जितनी थी उतनी रहेगी। अगर मान लीजिए हम ऐसे मीडियम में रख देते हैं जैसे एयर, तो आपको पता है एयर भी जो है वो आयोनाइज नहीं होती है, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाके आयोनाइज होती है, तो एयर में भी चार्ज ईजिली लीक नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा मीडियम है जो जल्दी आयोनाइज हो जाता है, कंडक्टर को रखा, आयोनाइज कैसे हो सकता है, सोचिए कंडक्टर को रखा आपने, तो कंडक्टर को रखने के बाद आसपास के रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई है, इसकी ज़्यादा चार्ज है इस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगी, तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा देगी, कहाँ लगा देगी, उस मीडियम के पार्टिकल्स पर सब तरफ। तो अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है तो पार्टिकल्स जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो आयंस बनेंगे, यानी कि एक पार्टिकल था, अगर ये आयन में कन्वर्ट हो गया प्लस या माइनस, तो इसका चार्ज जो कंडक्टर है उसका चार्ज लीक हो जाएगा, क्योंकि जो नेगेटिव वाले आयंस है वहाँ पर चार्ज चला जाएगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव वाले आयंस की तरफ जा सकता है। तो इसका मतलब कि कंडक्टर के आसपास मीडियम भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर चार्ज लीक ना हो पाए। तो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम यानी कि परमिटिविटी पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। ओके, थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड। अब ये भी इसी के जैसा पॉइंट है, लेकिन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मीडियम ही अगर चार्ज ले रहा है, चार्ज कहाँ लीक हो जा रहा है, मीडियम को, तो नेचर ऑफ द मीडियम कहलाएगा। और अगर मीडियम की बात नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये कंडक्टर है, इसके नेबरहुड में एक दूसरा कंडक्टर रख दिया नेगेटिवली चार्ज, तो इसका चार्ज यहाँ पर लीक हो जाएगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कैपेसिटेंस को स्टडी करने के लिए कि उस चार्ज कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर है या नहीं है, और उस पर कौन सा चार्ज है, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है वो किन तीन बातों पे डिपेंड करेगी, अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम तक जो है वो याद रह सकता है। साइज एंड शेप पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पर, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड।
अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो जैसा कि आप फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, फॉर्मूला क्या है इसका, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यूनिट जो है वो फॉर्मूले से ही बनती है, तो इसकी एक यूनिट जो है वो हो जाती है कूलम पर वोल्ट। ओके, तो कूलम पर वोल्ट की जगह पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है फैराड, एफ ए आर ए डी फैराड, एंड इन शॉर्ट इट इज़ रिटन एज कैपिटल एफ। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, फैराड। तो फैराड भी माइकल फैराडे के नाम पर ही है, शॉर्ट में इसको फैराड बोल दिया गया। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये आता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ दिस, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है डिफाइन द एसआई यूनिट। शायद आपने टेंथ में भी ऐसा ही पढ़ा हो। तो डिफाइन द एसआई यूनिट का मतलब होता है, जैसे करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है, और अगर लिखा डिफाइन द एसआई यूनिट, यानी कि आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है, या फिर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये जो 1 वाली जो डेफिनेशंस होती हैं, इसके लिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन द एसआई यूनिट। तो डिफाइन द एसआई यूनिट का मतलब आपको 1 फैराड ऑफ कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना पड़े, तो मेथड आपको याद होगा कि 1 फैराड को डिफाइन करने के लिए चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। तो अगर हम इन दोनों को 1 पुट करें, तो यहाँ पे लिखा है कि 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, या 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। लेकिन अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ये दोनों जो टर्म्स हैं, चार्ज और पोटेंशियल, दोनों डेफिनेशन में आ जाने चाहिए। तो इसका मतलब कि कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 फैराड, कब किस कंडीशन में होगी, इफ़ द एडिशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इंक्रीजेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो अगर 1 कूलम का चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ा देता है, तो कैपेसिटेंस कितनी कहलाएगी, 1 फैराड। ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर एक और टॉपिक मैं आगे स्टार्ट कर रही हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन यहाँ पर होगा। ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, इसके आसपास कोई दूसरा जो है वो कंडक्टर प्रेजेंट नहीं है। इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कितना चार्ज है वो यहाँ लिखने का मतलब जो है वो ये है कि इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू लिखिएगा, ओके, डोंट राइट स्मॉल क्यू। दूसरी बात, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर, दोनों को कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स जो हैं वही फॉर्मूले में यूज़ होते हैं। तो कैपिटल क्यू इसकी सरफेस पे चार्ज है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इतना आपको डिफाइन करना पड़ेगा जब आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि लेट एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, ये ध्यान रखिएगा कैपिटल आर है, कैपिटल आर, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो पोटेंशियल कितना होगा ऑन द सरफेस, तो आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, 1/4πε0 × Q/R। अब आपको फाइंड क्या करनी है, कैपेसिटेंस, तो आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा Q/V, और फिर यहाँ से आपने V की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इस वाले रिलेशन में, तो इट बिकम्स Q/V की जगह पे पूरा आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। तो पता है आपको ये जो अपॉन वाला पूरा है ये कहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये जो Q है दैट विल बी कैंसल्ड आउट। तो रिलेशन आपके पास ये आया, C=4πε0R। तो बस एक ये ही ऐसा रिलेशन है जिसमें कि 4πε0 मल्टीप्लाई में आ रहा है, बाकी सभी में जो आप कूलम्स लॉ से पढ़कर आए हैं, कूलम्स फोर्स, और उसके बाद फील्ड, देन पोटेंशियल, और पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी में 1/4πε0 आता है, लेकिन यहाँ पर 4πε0R होता है। तो यहाँ तक आज आप स्टडी करेंगे, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू।